सुरार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में पुण्य मेले का उद्घाटन किया है। समारोह की अध्यक्षता धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने की। साधु संतों के सानिध्य में मेले का शुभारंभ हुआ। सीएम भूपेश बघेल ने संगम पर महानदी की आरती भी की है और इस मेले में हर दिन छत्तीसगढ़ी खेलकूद प्रतियोगिता होगी, साथ ही महानदी आरती भी की जाएगी। आपको बताते हैं मेला महाशिवरात्रि 21 फरवरी तक चलेगा। धनेन्द्र साहू जी, श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव जी, भाई राम कुमार यादव जी, विनोद चंद्राकर जी, नरराज मध्यानी जी, नगर पंचायत राजीम के अध्यक्ष श्रीमती सोनकर जी उपस्थित, भाई गिरी जवाला जी और सबो मंचस्थ अतिथि मन, आयोजन समिति से जुड़े हुए सब साथी मन, अधिकारी मन उपस्थित, सफाई बहनी मन, नौजवान साथी मन, पत्रकार संगवारी मन, सबो बात आ चुके हैं। मोरा ज्यादा बोले का आवश्यकता भी नहीं है। पिछले समय जब राजीव महोत्सव मनायन साहू समाज के कार्यक्रम रही से ऐसी प्रेरणा मिली, हालांकि कातरों मांग नहीं रही से, लेकिन मन में इसे विचार है इस अतेक बड़ हमार महानदी और कर्पूरा में अतेक बड़ माघी पुन्नी मेला होते, हर साल लाखों आदमी आते, व्यवस्था में भी हमार अधिकारी कर्मचारी मन लगते, बड़े बड़े संत महात्मा मन आते, सगा सोदर मन भी आते, प्रदेश के और प्रदेश के बाहर से भी हमार पहुना मन आते, लेकिन रहे बर बैठे बर जगह नहीं है। हमारे जते भी व्यापारी भाई मन आते, उग्र मन की दुकान लगाए बर कोई जगह नहीं। हम कहें के हर साल एक आयोजन होते, हम जब से वो संभाले तब से हम देखा था, जैसे धनेन्द्र भैया के ना बैला गाड़ी में आते हैं, हम धनेन्द्र भैया गांव लखन होते दूर, हम बिलौदी कुरुदी लात रहे, हम तो पहले तरी घाट में एक मजनिया वहां वहां राधम गणव उतर बात थे राम, तो 2 दिन में हमारे राजीव पहुंच जाते रहे। यह रहे व्यवस्था होना चाहिए। अभी व्यवस्था में जते भी अधिकारी कर्मचारी मन है तो कर्मन के रहे कोई ठौर नहीं औकर स्थिति। कलेक्टर ने तुरते हम निर्देश दें कि यहाँ बढ़िया से मेला स्थल चयन किया जाए, शासकीय भूमि हो तो अच्छा और नहीं हो तो निजी भूमि भी अधिग्रहण करके वहाँ मेला स्थल बनाया जाए। अभी कलेक्टर बताए इसके 25 एकड़ जमीन एकड़ पर सुरक्षित कर लिए गए हैं, यहाँ के विधायक है, पड़ोस के विधायक है, नगर पालिका का अध्यक्ष मन है, यहाँ के जनप्रतिनिधि, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला सब जन जाग वो जगह देख ले और उसके बाद ऐसे ढंग से निर्माण हुए बढ़िया एक आर्किटेक्ट लेके उसका बहुत सुंदर डिजाइन भी मंगाना चाहिए और बहुत भव्य मेला स्थल बनाए। साधु संत मन के रुके भी व्यवस्था हो, अधिकारी कर्मचारी मन के भी रुके व्यवस्था हो जाए और साथ ही हमारे सगा सोदर मनाए सैकड़ों रुके व्यवस्था हो जाए, बढ़िया मेला स्थल रहा है ताकि दुकान उकान भी रहा है और केवल ये धार्मिक आयोजन हमारे नहीं हुए, राजीव केवल हमारे धार्मिक हमें जुड़ाव नहीं है बल्कि हमारे सामाजिक गतिविधि भी केंद्र है। कहते हम समाज मन के जो सामाजिक सम्मेलन है तो हमारे राजीव में होते, लेकिन जगह नहीं है,
यदि वो जगह आरक्षित रही हम सब समाज की मनाया तो हम बैठक करी सामाजिक सम्मेलन करी समाज सुधार के बात करी। ओकर भरी जमीन बहुत जरूरी है और वो जमीन आरक्षित है पर बहुत शानदार ढंग से ओकर निर्माण करबो सबो संत महात्मा मन बुला के ओकर मंत्री द्वारा मंत्रोच्चार करके बढ़िया वो जगह पवित्र करके ओकर निर्माण के कार्य हम सब मिल के करना है ताकि ये राजीव मेला है पुन्नी मेला है हमेशा बहुत सुव्यवस्थित ढंग से हो ऐसा निर्माण करे का आवश्यकता पड़ते कर न हो बल्कि बहुत सुव्यवस्थित ढंग से हो। ये बात ये मतलब खुशी है एक से ज्यादा प्रसन्नता कोई भी व्यक्ति का हो ही। या कोई सरकार में जिन काम कर संत महात्मा मन हमारे कार्यक्रम के बारे में प्रशंसा के दुशब्द का है आज तक हम सुनत रहे साधु संत महात्मा मन के मुंह से अभी भी महाराज के मुंह से सुने गौ हत्या बंद हो गौ माता की जय हो इसे भर से थोड़े हो जाते काम करेगा संत महात्मा मन रास्ता बता लेकिन काम तो हम अल्लाह करना है अभी तक के का हो दृश्य गाय के नाम से गौशाला खोल दे दृश्य गाय दुबराज जाती से गौशाला चली गया मन मोटा जा हस्त तब हो गया हमारे छत्तीसगढ़ में वो गाय के चमड़ा बेच दी सुकर मांस बेच दी सुकर हाड़ा बेच दी सुकर पोटा तक नहीं पाए वो पैसा कमाए है ये मन ऊपर नाम से राजनीति कर लेकिन हम हमारे जिन परंपरा है दुए बात में कहना चाहता हूं हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे प्रकृति बचाना है और हमारे संस्कृति बचाना है। हमारे घर 44% जंगल है दुनिया हमारा ऑक्सीजन देता नहीं हिंदुस्तान ला ऑक्सीजन देता हमारे घर 30,000 नरवा है सैकड़ों नदियां है लेकिन गर्मी के दिन में आग सुखा देते हैं। यदि नरवा मल्ला हमन पुनर्जीवित करबो तो नदियां अपने आप पुनर्जीवित हुई काबर की यदि महानदी की बात करें तो महानदी यदि बंगाल के खाई में जाते तो कई किलोमीटर चौड़ा होते ओकर पहली कसरत नदी में आग ओकर से मिलते हल्के मिला थे केलो मिला थे अरपा मिला थे सोंडूर मिला थे पैरी मिला थे जोंक मिला थे जते भी नदी से मिला जाते तब जाकर महानदी बनते और ये नदी मन से जो नाला मन है बड़े बड़े नाला है तेन आदमी से छोटे नाला मन मिलते तो वो मन ला हमने यदि पुनर्जीवित करन नरवा मन में पानी रोके काम करन तो हमारे जो नदिया है तेन 12 महीना पानी बहात रहा है 12 महीना स्वच्छ जल बहात रहा है और स्वच्छ जल हमारे छत्तीसगढ़ के निवासी मन मिला है। एक बार हम ये नरवा योजना हम शुरू करे हैं ये साल 30,000 में से 1,024 नरवा के हम डीपीआर बना रहे हैं आगे तुम सब धान रूट रहे मीन रहे नवा सरपंच चुन रहे सब जनपद चुन रहे हो जिला पंचायत चुने हो अब ओकरे मन के माध्यम से सब ये काम अल्लाह शुरू करना है। हर विधानसभा में कुछ न कुछ दूध 8 दिन बड़े नरवा है तेल लेबो ताकि सब जगह काम शुरू हो जाए और एक साल जब काम करके दिखा लू तो दूसरा साल फिर ओकर आंकड़ा हम बढ़ा जाओ गौठान ये साल हमने लगभग 2,000 गौठान बनाए हैं ये साल भी हमारे लक्ष्य दिन 4,000 गौठान बनान हमारे 11,000 पंचायत थे हमारे 5 साल के अंदर में 20,000 दिन गाँव ही जब सबू हम गौठान गौठान हम बनाना है ताकि जिन हम गौ माता के हैं गौ की सेवा कर सन दिवाली पर पूजा कर सन लेकिन लक्ष्मी ही खेती किसानी अलग नुकसान होते यदि शहर में आओगे तो हमारे दुकान मन परेशान है ग्राहक मन परेशान है ये एक परेशानी है तक दूर हो और गौ माता के सेवा हो सेवा करो तो निश्चित रूप से मैं आऊंगा। तो ये काम हम अल्लाह करना है जेन काम भगवान किस करके बताया है जेन काम ला हमारे साधु संत मन कहा थे हर अपन प्रवचन में वो उपदेश लगे थे हमें एक काम से सुनो और दूसरे काम से निकाल दें ये कोई उचित बात नहीं है
साधु संत मन जिन बात के तेला हमला ध्यानवन करेगा आवश्यकता है, ओकर अनुकरण करेगा आवश्यकता है और प्रकृति के हिसाब से हमन काम करबो तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ धन धान्य से परिपूर्ण हुई। एक साल में आप देख लो कि जहाँ ऋण माफी करें 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदें किसान मन के चेहरे में चमक आ गई। किसान मन के जिस कर्जा के बोझ तले दबेरी से वो बोझ उतर गए और आज पूरा छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि आ गई। ये साल कुछ रुकावट डाले गए है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ पानी यू गिर गए, धान खरीदने थोड़ा सा विलम्ब हो गए, कद्दू किसान मन नहीं बेच पाए, हमने एक सप्ताह बढ़ाए 15 फरवरी साथ 20 फरवरी तक के धान खरीदे जाए ताकि कोनो किसान के धान बिके से रुके मत। लेकिन अब बांच गया 1815 रुपये भी दे सर 685 रुपये बांचे है, बांचे नहीं नरेंद्र भैया चुनाव नौ निपट के काका अब का चुनाव नाथ हो गए क्या करेंगे पहले तो इसे चले चुनाव साहब है बोनस और 3 साल बोनस दे लेगी बहनी मन का गांव थे भारत सरकार के कि ते बोनस दे दे तो तोर चावल ला नहीं खरीदा, नहीं तो हम धान खरीदे तेरे संग में 2500 रुपये दे देते ना 1800 नहीं देते लेकिन तोरे बात का माल लेखन धान खरीदे 1800 बैनर टांग दे सोसाइटी में अब जिन 685 रुपये बांचे है ये 24 फरवरी का हमारे बजट शुरू हुई वो में दूसर योजना के नाम से 685 रुपये तुम्हारे खाता में जाए किसान के खाता में जाए। और हम केवल धाने भर के नहीं बल्कि जिन मनमत्ता वो है ओकरो खरीदी शुरू हो धाने भर मक्का भी दो एकरो पर भी हमन समर्थन मूल्य में खरीदे की व्यवस्था करा था। आपसे यही निवेदन कि जिन बात अभी महामंडलेश्वर अग्निपीठाधीश्वर महाराज की जिन राम मंदिर के बारे में जिन ट्रस्ट बनाया है जिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हो है और वो जिन बात के सीधा बात है साधु संत मन के अपमान है ये ट्रस्ट बनाए जिम्मेदारी यही मतलब देना रही सरकार ला ये मतलब पूछ के उप कमेटी ट्रस्ट बनाना रही से तो वो में साधु संत समाज मिलकर तय कर लेती सुझाव मांग लेती तो सरकार वो बना लेती ट्रस्ट घोषित करते लेकिन वो प्रकार से नहीं किए गए जेकर बारे में आलोचना हमारे अग्निपीठाधीश महाराज करी निश्चित रूप से उसकर बात से हम सहमत हैं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ आप सबके मार्गदर्शन आप सबके आशीर्वाद से बहुत सुंदर चलते और ही प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ आगे बढ़ाना है यही निवेदन करते हुए आप सब बधाई देते हुए अपन वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़। जोरदार जयकारा। राजीव रंजन महाराज भगवान की, कुलेश्वर महादेव की, राजीव की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मानव राजन से जहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माघ पुन्नी मेले का शुभारंभ कर दिया है, मंत्री थामदेव साहू संत समाज यहां पर मौजूद रहा, साथ ही तमाम मंत्री और नेता मंच पर मौजूद नजर आए। आस्था अध्यात्म और संस्कृति का एक अद्भुत संगम इस मंच पर आज देखने को मिला है। माघ पुन्नी मेले का शुभारंभ रांची में हो गया है और 21 फरवरी तक ये मेला चलने वाला है।
रोक लगी है। मैं भुला गए, मैं आप सबसे क्षमा चाहते पुनः आए। राम वन गमन पथ हमर छत्तीसगढ़ में भगवान राम बहुत लंबा समय गुजारे हैं, तो जिहा जिहा भगवान राम आए है वो जगह के विकास करे के काम, वो रास्ता जे रास्ता आए के रास्ता भी बनाए के काम, और जिहा जिहा के भगवान राम वहाँ बहुत सुंदर विकसित करे के हमारे सरकार फैसला ले, एक जानकारी आप लग देना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आर प्रदर्शन पर आमंत्रित कर हूँ श्री विनय कुमार लहंगे साहब सीओ गरियाबंदा। तो सीधे तस्वीरें आपको बता रहे हैं राजम से, जहां पर माघ पुन्नी मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दिया है। इसके साथ ही मंत्री तामराज साहू और तमाम मंत्री और नेता यहां पर मौजूद हैं। मनावर